सुंदर का अंतिम पड़ाव, कई सारी श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय नटराजपुरम खेड़ ब्रह्मा गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। आज जो विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वो वही विषय है, हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी पावर अगेंस्ट कोरोना। कोरोना के लिए मैं ऐसा कहूंगा कि पृथ्वी पर किसी भी कोने में किसी भी देश में जब तक कोरोना का प्रभाव है तब तक हमें सावधानी से काम लेना है, क्योंकि जिन देशों के साथ हमारे देश का व्यवहार इस तरह से है कि वहां से कोई भी लोग आ सकते हैं यहां या यहां से वहां लोग जा सकते हैं, तो इसके कारण भी कोरोना बढ़ सकता है। तो हमें सावधानी से काम लेना है और इसका जो मुख्य रास्ता है वो ये है कि किस तरह से हम हमारी इम्यूनिटी है, हमारी अपनी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको ठीक करें। आज जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं वो इस तरह से आपको कहना चाहता हूं कि अभी तक जो भी मैंने चर्चा की, जो भी बात कही आपसे इम्यूनिटी पावर के संदर्भ में, उसमें कहीं कुछ कोने में भी रह जाता हो तो मैं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूं, आपको कह देना चाहता हूं, ताकि शायद आपको काम आए किसी भी जगह। अगर समझ लो कि कोरोना बढ़ा, लगता है कि कोरोना नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि कोरोना नहीं तो कहीं कोई और मुसीबत ऐसी खड़ी हो गई, इसके समकक्ष वायरस पृथ्वी पर फैलने लगे और मनुष्य तकलीफ में आने लगा, तो इसमें भी जो इम्यूनिटी पावर है हमारा, रोग प्रतिकारक शक्ति है, वही रास्ता है केवल बचने का। और मेरा इंटेंशन इतना ही है कि जितना हम हॉस्पिटलाइजेशन से बच सके और घर पर ही सिंपल टिप्स से हमारी इम्यूनिटी पावर भी अच्छा कर सके, और अगर हमारे शरीर में कोरोना प्रारंभ हो गया तो भी हम कंट्रोल कर सके, ये मेरा इंटेंशन है। और जो कुछ भी मेरे पास इसके संदर्भ में मैं जानता हूं मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहता हूं। हमारा जो पूरा जीवन है वो चार तल से बहता है, एक है शरीर, लेकिन हम केवल शरीर नहीं, जो शरीर संदर्भ में अगर हम बात करें इम्यूनिटी पावर की, तो जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसका सेंटर है, कि हमारा डाइजेशन जितना प्रॉपर, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जितनी स्ट्रॉन्ग उतना हमारे भीतर वात पित्त और कफ, इसका प्रमाण बैलेंस होता है और कफ का प्रभाव फेफड़े में नहीं रहता। फेफड़े की जो सरफेस है, लंग्स की जो सरफेस है, जितनी साफ उतना ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है फेफड़े की, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकने की क्षमता भी बढ़ती है, और उसमें कफ जमा नहीं होता, ताकि कोई भी ऐसी रेस्पिरेटरी तकलीफ है, सांस उच्छ्वास के साथ संबंधित कोई भी तकलीफ है वो बढ़ नहीं पाती अगर फेफड़ा की क्षमता ठीक है तो, और उसके साथ संबंधित एक डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी रीढ़ जितनी स्वस्थ उतनी डाइजेस्टिव सिस्टम की कार्यक्षमता भी बढ़ती है, उसके साथ संबंधित एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, हमारे शरीर में से मल मूत्र और पसीने के द्वारा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है ऐसे हानिकारक पदार्थ है वो शरीर बाहर फेंक देता है, और इसकी क्षमता जितनी व्यवस्थित उतना हमारी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो अपने आप बढ़ती है। ये शरीर संदर्भित बात है कि वात पित्त और कफ का प्रमाण हमारे शरीर में बैलेंस होना चाहिए, या वात पित्त और कफ को ऐसे समझे कि जो जरूरत से ज्यादा है
वो एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा शरीर में से बाहर निकल जाए, ताकि फेफड़े पर जरूरत से ज्यादा बर्डन ना आए और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। शरीर संबंधित जो बात है उसमें ऐसा आता है कि एक भोजन लेना, कौन सा भोजन लेना, दो भोजन के बीच किस तरह से अंतराल रखना, जिसमें आता है शरीर को भूख लगना योग्य प्रमाण में और प्यास लगना, ये बहुत तंदुरुस्ती के लिए या आरोग्य के लिए बहुत ही उच्च कोटि का संकेत है कि तुम्हें भूख लगती है और उसके बाद आप खाना लेते हो। फिर से कह दूं कि ऐसी स्थिति में जब आप फंस जाओ कि जहां पर चारों ओर कोरोना फैल रहा है और उसके बीच आप हैं, तो खास संभाले रात्रि का भोजन जिसमें ठंडी चीजें न ले। फिर दूध और दूध की बनावट जो है, चीज है, पनीर है, इस तरह की जो दूध की बनावट है जिससे कफ पैदा होता है, तो रात्रि के समय में ऐसी चीज न ले। मांसाहार टाले, मध्यपान जिसे हम कहते हैं, रात को वाइन पी के या कोई भी नशाकारक पदार्थ लेके न सोए। जितना रात का भोजन गर्म रहेगा आपके शरीर में, उतना फेफड़े की क्षमता जो है ऑक्सीजन ग्रहण करने की और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकने की, या वायरस के साथ जो इम्यूनिटी पावर हमारा काम करता है वो रात में भी कार्यक्षम रहता है, ताकि वायरस का असर हमारे शरीर पर नहीं आता। दूसरी जो बात है वो है हमारा मन। जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे चारों ओर कोरोना जैसी बीमारी है वो बढ़ती है, तो नेचुरली है कि हमारे भीतर भय बढ़ जाता है। फियर जो है कि क्या होगा मेरा, या किसी को हो गया है, पड़ोस में हो गया है, तो भी हमें डर लगता है कि कहीं मुझे हो जाएगा तो, मेरे बच्चे को हो जाएगा तो, मेरी माँ को होगा तो, पत्नी का होगा तो, पति को होगा तो, इस तरह का भय आता है। और जो भय है उसका भी शरीर पर बहुत असर आता है। तो अगर आप ठीक से, मैंने जो कुछ भी सांस उच्छ्वास की सामान्य प्रक्रियाएं हैं, सामान्य सांस उच्छ्वास की प्रक्रियाएं आपके समक्ष खोली है, हमिंग ओंकार जो है ये भी आपको उपयोगी है, इवन डिप्रेशन को कम करने में, भय को कम करने में, चिंता को कम करने में जो उपयोगी प्रक्रिया है वो है उच्छ्वास को बार छोड़ना, बार रोकना, और क्षमता के अनुसार बाकी बार ही रोके रखो, फिर से सांस लो, जब तक क्षमता है सांस को भीतर रोके रखो। ये जो सारी सांस उच्छ्वास संबंधित प्रक्रियाएं मैंने दिखाई है, मेरे आगे के जितनी वाणी है, 7 वाणी में मैंने दिखाया है, वो सारी की सारी प्रक्रिया है आपको डिप्रेशन दूर करने में भी इतना ही मदद रूप होगी। चाहे कोरोना हो, कोरोना की स्थिति हो न हो, लेकिन ये सारी की सारी प्रक्रियाएं मानसिक जो चिंता है या मानसिक भय है उसको दूर करने में इसका बहुत असर आता है, क्योंकि हमारे मन का प्रभाव शरीर पर बहुत आता है। जब हम भयभीत हो जाते हैं तो कोरोना नहीं है तो भी हमें लागू पड़ सकता है भय के कारण, क्योंकि हम डर गए हैं कि क्या होगा, और इसका भय इस तरह से फैलना नहीं है। हमें वैज्ञानिक रूप से कोरोना को जानना है, कोरोना की तकलीफ को समझना है, और ये जरूर है कि इसके प्रति सावधान रहना है। जब तक कोरोना मेरी दृष्टि से पृथ्वी के कोई भी कोने में अभी है, तब तक हमें उसके साथ सावधानी से काम लेना है। तो मन जो है, मन की शक्ति है या भाव की शक्ति है हमारे शरीर में, उसको विधायत्मक बनाने के लिए, वैसे तो ऐसा इंडिकेशन मैं आपको देता हूं कि जब आपका शरीर स्वस्थ होता है या इम्यूनिटी पावर जब बढ़ता है, रोग प्रतिकारक शक्ति तब बढ़ती है जब आपका शरीर स्वस्थ हो, और जैसे ही इम्यूनिटी पावर बढ़ता है आपके भीतर विधायत्मक विचार शुरू हो जाते हैं, ये इसका इंडिकेशन है। सुबह में जब आप जागो और भीतर से उत्साह महसूस करो, उत्साह उमंग जीवन का, कि आज नया दिन है, नया कुछ करेंगे, नया कुछ खोजेंगे, और सबके साथ भीतर से प्रेम पूर्ण व्यवहार महसूस करते हैं जब हम, और उस समय
अगर आप लेबोरेटरी चेक इन करवाओगे तो भी देखना सब नॉर्मल आएगा। मन को देखना या भाव को देखना, शरीर की संवेदना को देखना, ये मुख्य बात है। इससे परिचित होना जरूरी है, जिसके लिए सुबह शाम शांत बैठक है, अंतर निरीक्षण है, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आपकी क्षमता के अनुसार एक मिनट से लेकर एक घंटे तक कम से कम, कि आप अपने भीतर जो कुछ भी घट रहा है, चाहे शरीर के तल पर घट रहा है, चाहे मन के तल पर घट रहा है, चाहे भाव के तल पर घट रहा है, या जो इंटरनल स्पेस हमें कहे, जिसे पुराने समय में नाम दिया गया आत्मा। आत्मा का अर्थ है अंतर अवकाश, अंतर की जगह, अंदर की जो जगह है, जो अवकाश है, उसकी अपनी शक्ति है। और इसे जैसा अवकाश मिलता है काम करने का, तो बहुत सारी ऐसी चीजें है, नकारात्मक चीजें है, हमें छू नहीं सकती। हमारी तंदुरुस्ती भी अच्छी रहती है और शरीर का जो तल है वो भी स्वस्थ रहता है, मन का तल भी स्वस्थ रहता है, भावात्मक तल भी विधायत्मक रहता है। और डिप्रेशन है, चिंता है, भय है, जिसके लिए हमें बहुत साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। मैं ऐसा कहूंगा, अगर ठीक से आपकी सांस उच्छ्वास की प्रक्रिया हो रही है, ठीक से फेफड़े की क्षमता के अनुसार, और आपका शरीर शुद्ध हो रहा है, डिप्रेशन आपको छू नहीं सकता। और डिप्रेशन छुएगा तो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो फैल नहीं सकता आपके शरीर में। लेकिन सांस उच्छ्वास की प्रक्रिया आपको ठीक से समझनी है। जो लोग मुझे समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मैंने जितनी भी प्रक्रियाएं खोली है आपके समक्ष सांस उच्छ्वास की, उससे परिचित होना है। और जिसकी क्षमता है, हर सांस उच्छ्वास की प्रक्रिया, हमिंग ओंकार की प्रक्रिया, प्राणायाम की प्रक्रिया, उसको ठीक से समझना है, अपने पर उस काम करना है, और लोगों को भी इसे समझाने में मदद रूप होना है, कि और लोगों का जीवन भी हम ऐसी कोई स्थिति में ना आ जाए, कोई मुसीबत में ना आ जाए, ताकि हॉस्पिटलाइज करना पड़े। जब तक हमारे हाथ में है ये बात, ये सिचुएशन हमारे हाथ में, हमें ऐसा काम करना है कि थर्ड पोजीशन जो है कोरोना की, कि जिसके लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, उससे बचाना है मनुष्य को, ताकि ऐसी कोई स्थिति में ना आ जाए जिसपे खर्च बहुत बढ़ जाए, हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ जाए। क्योंकि खर्च बढ़ता है तो नेचुरली कि ये जो सारा खर्च है, प्रतिदिन 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपया हॉस्पिटल में देना, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। कहां से अरेंज करना, और जो मैं ये बात कहता हूं सामान्य कुटुंबों के लिए, कि जिसके पास इतनी व्यवस्था है ठीक है, फिर भी हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि जिसके पास पैसे की व्यवस्था है वो हॉस्पिटलाइज हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी बात नहीं है। हॉस्पिटलाइज होना, कोरोना इतना बड़े शरीर में, ये किसी भी तरह से योग्य नहीं मेरे लिए, मेरी दृष्टि से, कि इस हमारे शरीर की जो मस्कुलर डिसेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, मसल्स का जो कंट्रोल है वो भी चला जाता है। जिन लोगों को इस तरह का कोरोना हो गया, ट्रीटमेंट ली, उसमें से बाहर आए, ऐसे लोगों को आप मिलोगे, पता चलेगा कि आफ्टर कोरोना भी, ट्रीटमेंट लेकर भी, बहुत कुछ तकलीफें शरीर में बढ़ जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी, जैसे कि सोचने की प्रक्रिया, निर्णय लेने की प्रक्रिया, सबके ऊपर इसका असर आता है। तो हम ऐसी पोजीशन में ना आए, ये मेरा उद्देश्य है। फिर कुछ ऐसी स्थिति है, समझे, कि जब हम सिंपल खाना खाते हैं, तो बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि हमें बाहर का खाने का, हमें बाहर की खाने की इच्छा होती है, या बहुत सिंपल खाना खाते हैं। जिस जब कोरोना है तो मैं कहूंगा स्वीट न ले, कुछ दिन तक स्वीट न ले, जिससे कफ बढ़ता हो, शुगर वाली चीजें न ले, घी वाली चीजें न ले, सिंपल जितना बॉइल्ड है इस तरह का डाइट ले। तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कब तक हम ऐसा डाइट ले, ऐसा सिंपल, बाहर का खाने का भी, खाने की भी इच्छा होती है, स्वीट खाने की भी इच्छा होती है। इसका भी मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। समझ लो कि आज आपने पानी पूरी खाई बाहर, पहले तो मैं ऐसा कहूंगा, ऐसी स्थिति में
कोरोना जब फैल रहा है तब बाहर का खाने को टाले ही, लेकिन समझ लो कि फिर भी आपने कुछ लिया उसमें गरम चीज को पहले प्रेफरेंस दो। गरम चीज जो उबाली हुई है बाहर, ऐसी चीज खा रहे हो तो अभी ठीक है, लेकिन समझ लो पानी पूरी जिसका इतना टेम्परेचर नहीं, तो ऐसी चीजें अगर आपने बाहर खाई, ऐसा कोई नमकीन खाया, तो उसके बाद मेरी एडवाइस ऐसी है, गरम चाय ले लो, कम दूध वाली गरम चाय पी लो थोड़ी देर के बाद, ताकि अगर शरीर की स्थिति बिगड़ रही है तो भी इतनी लिमिट तक नहीं जाएगी कि आप उसे कंट्रोल ना कर सको। फिर डेली मत खाए, समझ लो कि आज आपने बाहर का कुछ खाया, 24 घंटे शरीर को ऑब्जर्व करो कि कोई तकलीफ भीतर पैदा हो रही है कि नहीं, जैसे कि बुखार जैसे सेंसेशन, हेडेक हो रहा है, या कहीं कुछ तकलीफ इस तरह से हो रही है जैसे हमें कहते हैं कि इलनेस या बीमारी लगती हो हमें फीलिंग्स में, तो इस तरह की फीलिंग्स भीतर पैदा हो तो उसे टालनी है। तो अगर आज आप बाहर का कुछ खाओ उसके बाद 24 घंटे बाहर का कुछ न लो, कंटिन्यू बाहर का खाना अभी भी इस स्थिति में भी, अभी मैं कहूंगा योग्य नहीं, कंटिन्यू बाहर का खाना या कंटिन्यू स्वीट का लेना या कंटिन्यू जो आपका गर्म डाइट है उसके उपरांत हम शरीर में ऐसा कुछ डालते हैं कि शरीर पर बोझ हो रहा है, तो ऐसी चीजों से अभी भी सावधानी के साथ काम लेना है। समझ लो कि आज आप कोई सोशल फंक्शन है जैसे कि मैरिज में गए, मैरिज का कुछ खाना खाया आपने, खाने का लिया खाना खाया, या किसी का बर्थडे है आपको इनवाइट किया है आप गए खाना खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बाद संभालो। 24 आवर्स में ऐसा कहूंगा कि दिन में आप 4 बार डाइट लेते हो, 4 भोजन करते हो, 1 भोजन संपूर्ण टाल दो, 1 समझ लो ब्रेकफास्ट आपने कट किया या सुबह का भोजन कट किया या दोपहर का भोजन कट किया या रात का भोजन कट किया, तो बाहर का खाना जब आप खाते हो कहीं भी उसके बाद आपको संभालना है ताकि ये बीमारी भीतर फैले नहीं। तो ये इम्यूनिटी जो है हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि जुकाम का होना, बुखार का आना, हेडेक, ये सारी बातों को ठीक से समझना है जो मैंने अभी तक आपके साथ चर्चा की, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ मैंने खोला है, जो कुछ भी बात मैं जानता हूं इसके संदर्भ में, क्योंकि जब कोरोना प्रारंभ हुआ तब जो मेरे आसपास थे वो लोग भी कहते थे कि आप कुछ ऐसा मार्गदर्शन दो कि ताकि जो लोगों को उपयोगी हो वो इस मार्गदर्शन का उपयोग कर सके, लेकिन उस समय मेरे अपने शरीर की स्थिति ऐसी थी कि मेरा गला इतना काम नहीं करता था। आज भी आपने देखा होगा कि ये 7 से 8 मेरी जो वाणी है इसमें भी आप देखोगे तो पाओगे कि अभी भी बोलने में मुझे तकलीफ सी हो रही है, फिर भी अब इतना तो मेरी क्षमता आ गई कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं, कुछ भी मुझे कहना है आपको तो मैं आपको मैसेज दे सकता हूं, लेकिन उस समय मेरी शरीर की स्थिति ऐसी थी कि एक तो गला काम नहीं कर रहा था कि 2 सेंटेंस में बोलूं उसके बाद गले पर स्ट्रेन आता था, लेकिन देखो मैंने जो प्रक्रियाएं दिखाई है ये अभी ही मैंने मेरा जो गला ठीक किया अभी थोड़ा समय पहले, वही प्रक्रिया मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि सिंपल थूक का भीतर निकालना या कुछ प्राणायाम की प्रक्रिया, सांस उच्छ्वास की प्रक्रिया, उसके जरिए मैंने अपना जो गला है वो ठीक कर लिया, और स्थिति भी ऐसी थी रीढ़ में कि मैं मेरा शरीर बैठ के कुछ वाणी कहनी है आपसे बोलना है तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। अभी आप जो मुझे देख रहे हो मेरे शयन खंड से मैं बात कर रहा हूं क्योंकि अभी भी ऐसी स्थिति थी मेरी कि कभी भी मुझे बिस्तर पर लेटना पड़े, थोड़ी देर में बोलूं फिर मुझे बिस्तर पर लेटना पड़े, और बहुत कम्युनिकेशन भी संभव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब ऐसी स्थिति आ गई और विदाउट कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट, जो सिंपल
जो प्रक्रिया मैंने आपसे डिस्कस की या आपके समक्ष खोली, उसी प्रक्रियाओं से मैंने अपनी हेल्थ ठीक कर ली, क्योंकि ये वैज्ञानिक है पूरी बात कोरोना। तो इसमें जो प्रायोगिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जो जो लोगों के कोरोना की प्रक्रिया, जिसे कोरोना की तकलीफ शुरू हो गई और मेरी एडवाइस से ठीक हुआ, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन थी, ये इसको सिंपल करके मैंने आपके समक्ष खोल दी है। आज की जो वाणी है उसे समाप्त करूं, उससे पहले मैं कल के लिए भी बताऊंगा, कल जो मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूं आपके समक्ष, वो है शांति मंत्र। शांति मंत्र क्या है, हमारे शरीर के ऊपर उसका क्या असर है, मन के ऊपर हमारा क्या असर है, भाव शरीर के ऊपर भी उसका क्या असर है, जो आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं जो लोग, उसके लिए किस तरह से ये मंत्र, बहुत सिंपल मंत्र, सरल, हर कोई बोल सकता है, इस मंत्र को किस तरह से प्रकट करना है, इसका क्या अर्थ है, और ये प्रार्थना जो है वो हमारे लिए भी इतनी उपयोगी है, और विश्व में इसको, जो हमारा भाव है वैश्विक भाव, की हर जीव शांति का अनुभव करे, उसमें भी एक किस तरह से मदद रूप हो सकता है। ये सारी की सारी बातें मैं कल की दिव्य वाणी में आपके समक्ष प्रकट करूंगा। आज की जो वाणी है उसमें मैं अंत में पातंजलि स्तोत्र, जो मंत्र और स्तोत्र का विज्ञान है, वो इस तरह से है कि जिसका भी आप स्मरण करते हो उसके साथ आपका कॉन्टेक्ट होता है, उस दिव्य चेतना के साथ आप जुड़ते हो भीतर से। पातंजलि जिसने अष्टांग योग दिया हमें, धन्वंतरी जिसने, आज जो हम हल्दी खाते हैं भोजन में, या दाना जीरो लेते हैं, या जीरो लेते हैं, या राई लेते हैं, या अदरक लेते हैं, तो कभी आपने सोचा कि ये किसने ये सारा खोजा होगा, इतनी सिंपल चीजें जो हम डाइट में लेते हैं और दवाई की तरह इसका उपयोग कर सकते हैं हम, अगर ठीक से हमारे भोजन को अगर हम संतुलित करें, ठीक से हमारा भोजन हम ले, तो कोई दवाई की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ सकती। ठीक से अपने भोजन को समझना है, ये धन्वंतरी ने खोजा। जो सारी चीजें हम लेते हैं भोजन में, बहुत से ऋषि, ऐसा नहीं कि धन्वंतरी खाली, लेकिन धन्वंतरी ने भी इसी तरह से मनुष्य के स्वास्थ्य को ठीक करने के अनेक उपाय मनुष्य को दिए। इसी तरह से पातंजलि जिसने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, भाव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आत्मा को पाने के लिए या आत्मा को समझने के लिए अष्टांग योग दिया, तो उसका स्मरण है इस स्तोत्र में। ये भी आपके समक्ष इस तरह से मैं गाता हूं कि अगर मुझे देखने वाले जो है, समझने वाले हैं, उसे अगर नोट डाउन करना है तो भी नोट डाउन कर सकते हैं, और मंत्र और स्तोत्र का उपयोग जब भी आप अपनी योग की प्रक्रिया प्रारंभ करो या योग की प्रक्रिया का समापन करो, उस समय ये मंत्र और स्तोत्र का आप उपयोग कर सकते हो। दिन में 4 बार करो योग, 4 बार मंत्र और स्तोत्र का उपयोग करो, जो एक भावात्मक प्रार्थना है जो अपने को भी मदद करती है और लोगों को भी मदद करती है। पातंजलि स्तोत्र। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शरीरस्य च वैदकेन, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शरीरस्य च वैदकेन, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान तोष्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान तोष्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान तोष्मि।
शांति मंत्र का अर्थ गठन केवल श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। अस्तु।